आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह अनुवांशिक बीमारियों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस कोष में 60-40 के अनुपात से योगदान करेगी। केंद्र सरकार इसके लिए पहले ही 100 करोड़ के कोष का गठन कर चुकी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान रिश्वत लेने के उनके बयान के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस रेखा पाली को बताया कि एक आरटीआई के जवाब से मिली सूचना के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने गोवा में उनके दिए बयान पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को करने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरे का असर रेलगाड़ियों में देखने को मिला। राजधानी में कोहरे के कारण 26 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। वहीं रेलवे ने यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक गाड़ी के समय में बदलाव किया है, जबकि 32 रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर उद्योग जगत आश्वस्त है कि इसके कई फायदे हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि बैंकिंग, वित्तीय सेवा व बीमा क्षेत्र, खुदरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स व क्लाउड के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी लाभकारी है और सरकार को इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। हालांकि अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा नहीं देगी। तमिलनाडु में सांडों को काबू में करने के लिए खेल जलीकट्टू से जुड़े मामलों की सुनवाई 5 सदस्य एक संविधान पीठ करेगी। पीठ ये फैसला करेगी क्या ये खेल सांस्कृतिक अधिकारों के तहत आता है या फिर यह पशुओं के साथ की जाने वाली क्रूरता का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को बाल सुधार गृहों के पंजीकरण के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित करने के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लूरा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये आदेश दिया। पिछले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर केरल से एक भी बच्चा मानव तस्करी का शिकार हुआ तो इसका सीधा जिम्मेदार राज्य के मुख्य सचिव को माना जाएगा और उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। दिल्ली के सहादरा के हनुमान मंदिर के बाद जीटी रोड पर यातायात व्यवस्था देख रहे ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, वो भी तब जब एक बाइक सवार गलत दिशा में आ रहा था। तभी ट्रैफिक कांस्टेबल प्रवीण ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर बाइक सवार ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ ही उलझ गया और मारपीट करने लगा। राजधानी में रूटीन चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब बरामद किया है। पुलिस ने शराब के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सूरजकुंड बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस टीम को एक महिंद्रा जाइलो गाड़ी में 54 कार्टन में रखी 2657 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। दिल्ली के रनहोला इलाके में 6 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार को रनहोला के आईपी वर्ल्ड स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने बच्ची को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात के 11:30 बजे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत शरीर में इन्फेक्शन फैलने और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई। गंगाराम अस्पताल ने बच्ची की मौत के बाद मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में इंजरी थी। राजेंद्र नाम के शख्स का काम करते समय मशीन में हाथ आ जाने से हाथ बुरी तरह से कुचल गया था, लेकिन कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों ने राजेंद्र के बाएं हाथ की सही समय पर सर्जरी कर उसके हाथ को बचा लिया। दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त राजेंद्र के बाएं हाथ के सभी उंगलियों को माइक्रोवास्कुलर सर्जरी कर विकलांग होने से बचाया गया।